नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर शिवपुरी की ओर से आई मालगाड़ी की एक बोगी का पहिया पटरी से नीचे उतर गया। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग और दूसरे कर्मचारियों ने करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद मशीनों के जरिए डीरेल हुए पहिए के पेयर को पटरी पर रखा। इस दौरान करीब ढाई घंटे तक डाउन ट्रैक के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर यातायात बाधित रहा और बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल शहर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ट्रैक पर पटरी के नजदीक बदलने के लिए दूसरी पटरियां रखी हुई थी। संभवतः ट्रेन की बोगी का पहिया इसे टकरा गया और 10 मीटर तक रेलवे स्लीपर से टकराता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बीचों बीच बोगी का पहिया डी रेल हो गया। इस दौरान झांसी की ओर से आने वाली ताज एक्सप्रेस और खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस को दूसरे प्लेटफॉर्म से निकाला गया। रेलवे के अधिकारियों ने फिलहाल घटना के बारे में जानकारी नहीं दी है। मालगाड़ी आई थी यहाँ से शिवपुरी तरफ से 2:30 बजे करीब, तो यहाँ खड़ी थी। उसके बाद सिंगल इंगल हुए, उसकी जो चलने लगी है तो उसका ये लाइन के बगल में पटरी लगी, उसमें एक बोगी में कहीं टकरा गई है तो उस पटरी से उतर गई थी। लगभग कितनी मीटर की दूरी से पहिया उतरता हुआ आगे गया? अब ये इतना तो अपन नहीं कह सकते, उसमें कारण नहीं, ये साइड में पटरी डली ना जो लोहे की, एक और उससे टकराया है, उसके वजह से एक उसकी बोगी उतर गई। हर एक की देखो ड्यूटी अलग अलग होती है, हर एक की ड्यूटी अलग अलग होती है। तो मेरा काम जो अभी यहाँ जॉइंट सिग्नेटरी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसके जॉइंट ऑब्जर्वेशन लिए जाएंगे उसके आधार पर। कितनी दूर से ये मालगाड़ी जहाँ से एक बोगी का डब्बा जहाँ से उतर गया? नहीं, अभी मौके पर देख रहे हैं, जो देख रहे हो आपके सामने, लगभग कितनी मीटर की दूरी से? नहीं, अभी नापा नहीं गया, सब चल रहा है। अरे सब प्लीज काम करने दे, इस समय नहीं 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 वगैरह जनता। कितने पहिए उतरे थे? एक ही पैर उतरा है, एक ही पैर। कहाँ से आई थी और कहाँ जा रही थी? नहीं, ये भी अभी मुझे जानकारी लेनी है। क्या बराबर हुआ? ग्वालियर से इनपुट हेड संजय चिदाड़ की रिपोर्ट।